नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भाषण दे रहे थे। भाषण देते वक्त सामने हजारों की भीड़, राहुल गांधी मोदी पर निशाना साध रहे थे, मोदी की गारंटी के पोल खोल रहे थे, मोदी बार बार खुद को ओबीसी बता करके जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको बेनकाब कर रहे थे, लेकिन एकाएक चुप हो गए, भाषण रोक दिया। लोग सोचे क्या हुआ ऐसा। राहुल गांधी ने भाषण रोका, एक नाम लिया और एक युवक को अपने पास बुलाया। वो युवक जिसका नाम उमेश पटेल है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उमेश पटेल एक खरसिया सीट है, वहां से प्रत्याशी हैं उमेश पटेल। लेकिन उमेश पटेल को बुलाने का मतलब, उमेश पटेल के को बुलाने के बाद जो राहुल गांधी ने चर्चा की, जो कहानी सुनाई, वो इस पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इस चुनाव में जो कहते हैं इमोशंस कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर सकती है, भावनाएं जोड़ने का काम कर सकती है। और भावनाएं भारतीय राजनीति में कितना बड़ा चेंज ला सकती हैं, कितना बड़ा परिवर्तन वेव का काम कर सकती हैं, यह आपने देखा होगा, क्योंकि यह देश आज भी भावनाओं से चलता है। इन्हीं भावनाओं का इस्तेमाल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने बखूबी किया है। जब वो कहते थे मैं पिछड़े वर्ग से आया हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, कांग्रेस वाले गालियां देते हैं, लेकिन 10 साल से वो यही बात कहते रह गए। आज जो राहुल गांधी ने कहा वो अपने बारे में नहीं कहा, वो उमेश पटेल के पिता नंद कुमार पटेल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहानी सुनाई कि नंद कुमार पटेल जब पहली बार उनसे मिलने आए और जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबी लोगों से पूछा कि जरा इस नेता के बारे में पता करवाओ, ये कुछ अलग दिख रहा है। अब नंद कुमार पटेल हैं कौन, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन मंच पर क्या हुआ, जरा मंच पर जो हुआ वो आप सुनिए और देखिए राहुल गांधी ने कैसे बुलाया नंद कुमार पटेल के बेटे को और क्या बोला उन्होंने, आप सुनिए खुद। यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इधर आओ। देखो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और ये बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई, इनके पिता शहीद हैं, सही बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते, ये सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। ये आपने उस मंच का नजारा जिस पर मौजूद थे राहुल गांधी, भाषण दे रहे थे, रुके और उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया। अब आते हैं आखिर नंद कुमार पटेल थे कौन जिसको याद करके आखिर राहुल गांधी इतने भावुक हो गए, भाषण रोक दिया और उनकी चर्चा छेड़ करके उनकी कहानी सुनाने लगे। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2013 में परिवर्तन यात्रा से लौट रहे थे, नक्सली हमला हुआ, उस नक्सली हमले में कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई थी। कांग्रेस के महेंद्र कर्मा बड़े नेता थे आदिवासियों के,
उनकी जान चली गई थी। विद्याचरण शुक्ल उस वक्त 84 साल उनकी अवस्था थी, कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में से एक थे, बहुत गंभीर हालत में बचे थे, और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल थे, इनकी जान चली गई थी। नंद कुमार पटेल उस दिन जब यात्रा में जा रहे थे तो जबरन अपने बेटे को भी लेकर के चले गए थे, बड़ा बेटा जिसका नाम था दिनेश पटेल, और उस नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल के सामने उनका बड़ा बेटा दिनेश पटेल भी मारा गया था। उसी नंद कुमार पटेल का बेटा, छोटा बेटा, अब कांग्रेस का प्रत्याशी है, और वही नंद कुमार पटेल आज मंच पर उनकी याद में राहुल गांधी भावुक हो गए। नंद कुमार पटेल 1979 में सरपंच के पद से राजनीति में कदम रखे, यानी सबसे पहले सरपंच चुने गए, 1990 में विधायक बने पहली बार, फिर 93 में विधायक बने, 98 में विधायक बने, 2003 में विधायक बने, 2008 में विधायक बने, और 2013 में चुनाव प्रचार कर रहे थे जिस वक्त ये नक्सली हमला हुआ। 1998 से लेकर के पहली बार राज्य मंत्री बने, फिर अलग अलग मंत्रालय संभाला उन्होंने। राहुल गांधी ने वही चर्चा की कि जो सादगी थी उस आदमी ने कभी अपने लिए मंत्री या मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा था, और अगर वो एक बार मुख्यमंत्री बनता तो सिर्फ एक बार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं होता। नंद कुमार पटेल में वो क्षमता थी कि अगर एक बार मुख्यमंत्री बनते तो 15 साल मुख्यमंत्री रहते, 15 साल मुख्यमंत्री रहते। और राहुल गांधी ने जनता, वहां के लोगों से कहा कि मुझे अब एक नंद कुमार पटेल मुझसे दूर हो गए नहीं रहे, मुझे 500 नंद कुमार पटेल आपके बीच से चाहिए, वो दिल्ली से नहीं लाऊंगा, आपके बीच से चाहिए 500 नंद कुमार पटेल जो भाजपा को उखाड़ फेंके और छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाले, राजनीति पर नजर रखने वाले ये चर्चा आज कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह मंच से नंद कुमार पटेल की चर्चा छेड़ी, जिस तरह भावुक हुए, नंद कुमार पटेल की कहानी जैसे सुनाई, ये चुनाव के सिर्फ 3 दिन पहले, इस चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस के प्रति, नंद कुमार पटेल के बेटे के प्रति। शायद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भावनाओं के साथ एक ऐसा जन ज्वार पैदा कर दे जो छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों में, हालांकि चुनावी नतीजों में अब तक जितने भी सर्वे ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वहां के स्थानीय स्तर पर विश्लेषकों से, पत्रकार साथियों से जो हमारी बात हो रही है, सब में कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अगर ये नंद कुमार पटेल की चर्चा ने काम किया तो ये इस चुनाव में एक बड़ा माइलेज साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, वीडियोज को हमारे लाइक और शेयर कीजिए, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।